हेलो दोस्तों, आपके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हुए बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में फर्स्ट 2020 मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतते हुए पहले बॉलिंग का फैसला किया और बांग्लादेश को बैटिंग का न्योता दिया। दोस्तों, जिम्बाब्वे का यह फैसला स्टार्टिंग से ही गलत साबित हुआ। बांग्लादेश की टीम जब पहले बल्लेबाजी करते हुए पिच पर उतरी तो उनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने बांग्लादेश को एक मजबूत और तेज़ शुरुआत दी। उन्होंने पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। बांग्लादेश का जब पहला विकेट गिरा वह था तमीम के रूप में। तमीम ने आउट होने से पहले 33 गेंदों पर 41 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। दोस्तों, बांग्लादेश का दूसरा विकेट हालांकि जल्दी ही लिटन दास के रूप में गिर गया, लेकिन लिटन दास ने आउट होने से पहले अपनी इस मैच का जो दायित्व था वह पूरा निभा दिया। उन्होंने धुआंधार 39 गेंदों पर 59 रन बनाए, 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से। उसके बाद सौम्या सरकार ने बांग्लादेश की तरफ से सबसे अच्छी और आज के मैच की सबसे धुआंधार पारी खेली। वह लास्ट तक नॉट आउट रहे। उन्होंने केवल 32 गेंदों पर 62 रन बनाए, 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से। इन छक्कों में लास्ट के जो 20वां ओवर था उसमें 3 छक्के सौम्या सरकार ने लगाए। दोस्तों, बांग्लादेश का तीसरा विकेट रहीम के रूप में गिरा। उन्होंने केवल 8 गेंदों पर 17 रन बनाए जिसमें 2 छक्के शामिल थे। महमूदुल्ला लास्ट तक नॉट आउट रहे। उन्होंने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, 1 चौके की मदद से। इस प्रकार बांग्लादेश के केवल 3 विकेट ही गिरे। दोस्तों, आज के मैच में बांग्लादेश ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर पूरे 200 रन बनाए और जिम्बाब्वे को जीत के लिए 201 रनों का टारगेट दिया। दोस्तों, यह टारगेट बहुत ही ज़्यादा था जिम्बाब्वे की टीम के हिसाब से। हालांकि उनके लिए यह चेज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जिम्बाब्वे की जो सेकंड ओडीआई में जो वह खेले थे उस हिसाब से शायद वह इस टारगेट को चेज भी कर सकती थी। आज जिम्बाब्वे की बॉलिंग में कोई दमखम नहीं था, कोई भी ऐसे बॉलर नहीं था जो बांग्लादेश के बैट्समैन को रोक सकता, उनकी रन रेट को रोक सकता या उन्हें जल्दी जल्दी आउट कर सकता। सभी बॉलर्स एक नॉर्मल और एवरेज बॉलिंग ही करा रहे थे। आज जिम्बाब्वे की तरफ से रजा ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। मुम्बा ने 2 ओवर में 24 रन देकर 0 विकेट। त्रिपानो ने 4 ओवर में 39 रन देकर 0 विकेट। मफोफू ने 4 ओवर में 58 रन देकर 1 विकेट। मधुवीरे ने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट। विलियम्स ने 4 ओवर में 31 रन देकर 0 विकेट। इस प्रकार आज बांग्लादेश ने पहले 2020 में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 201 रनों का टारगेट दिया। दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम जब 201 रनों का टारगेट लेकर पिच पर उतरी तो उनका कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं खेला जो इस टारगेट को चेज करने के हिसाब से खेला हो। उनकी एक के बाद एक विकेट गिरते ही रही, कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं हुई। थोड़े थोड़े 10-15 रनों के गैप पर उनकी विकेट जाती ही रही। कोई भी बैट्समैन अपना कमाल नहीं दिखाया पाया। जिम्बाब्वे का पहला विकेट जिम्बाब्वे के कुल स्कोर 11 रन पर गिरा जो कि ब्रेंडन टेलर के रूप में था। ब्रेंडन टेलर ने आउट होने से पहले 5 गेंदों पर 1 रन बनाया। उसके बाद जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट भी जल्दी ही गिर गया जो कि क्रेग इरविन के रूप में था। उन्होंने आउट होने से पहले 9 गेंदों पर 8 रन बनाए, 1 चौके की मदद से। मेदविरे 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। दोस्तों, आज जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे जो अच्छा खेले या सबसे जो ज़्यादा रन बना पाए वह थे कमुन हुकमावावी। उन्होंने 20 गेंदों पर 28 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। इनके अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो 28 रनों से भी ज़्यादा स्कोर बना पाया हो। दोस्तों, जिम्बाब्वे का अगला जो विकेट था कैप्टन के रूप में गिरा था। उन्होंने केवल 12 गेंदों पर 20 रन बनाए, 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा संघर्ष जरूर किया था, लेकिन यह भी जल्दी ही आउट हो गए। रजा 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके लगाए। मुतुम्बामी 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए। मुतोम्बोडजी 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। त्रिपानो 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्के लगाए। जिम्बाब्वे का 10th और जो लास्ट विकेट था वह गिरा था मुम्बा के रूप में। मुम्बा ने आउट होने से पहले 16 गेंदों पर 25 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। और मफोफू 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर लास्ट तक नॉट आउट रहे। आज
जिम्बाब्वे की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19 ओवर में 152 रनों पर ऑल आउट हो गई और यह मैच जिम्बाब्वे ने 48 रनों से गंवा दिया। आज बांग्लादेश यह मैच 48 रनों से जीतकर दो 2020 की जो यह सीरीज है इसमें 1-0 से उन्होंने बढ़त बना ली। अब बांग्लादेश की टीम इस सीरीज को हार तो नहीं सकती, लेकिन जिम्बाब्वे जो अगला सेकंड 2020 मैच है उसमें जीतकर 1-1 से बराबर कर सकती है, या बांग्लादेश अगला जो मैच है उसमें भी जिम्बाब्वे को हराकर 2-0 से जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर सकती है। ये तो अब आने वाला मैच बताएगा कि क्या होता है। दोस्तों आज बांग्लादेश की जैसे बल्लेबाजी अच्छी थी वैसे ही जो बॉलिंग थी वह भी काफ़ी सराहनीय थी। उनका हर बॉलर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हर टाइम जिम्बाब्वे के ऊपर प्रेशर बनाए रखा उनके बॉलरों ने। बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए, सैफुल ने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, सैफुद्दीन ने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, मेहदी हसन ने 4 ओवर में 29 रन देकर 0 विकेट, अमीनुल इस्लाम ने 3 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट, हफीफ हुसैन ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट। इस प्रकार जो आज मैच खेला गया बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में फर्स्ट 2020 मैच, बांग्लादेश ने 48 रनों से अपने नाम भी कर लिया और 1-0 से जो दो 2020 की सीरीज है इसमें 1-0 से बढ़त भी बना ली। दोस्तों आज के मैच में जिम्बाब्वे की ना तो बैटिंग में कोई दम था ना बॉलिंग में कोई दम था, और बांग्लादेश उसका उलट बैटिंग भी उन्होंने काफ़ी अच्छी और तेज की और बॉलिंग में भी अपना दमखम, और जिम्बाब्वे को पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिया और 19 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया। आज बांग्लादेश हर तरीके से अच्छा खेली। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि जिम्बाब्वे की टीम को अपनी टीम में क्या बदलाव करना चाहिए या जो बैटिंग या बॉलिंग में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि वह बांग्लादेश जैसी टीम से भी भिड़ सके, और बांग्लादेश और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कि वह ऑस्ट्रेलिया या उससे भी बड़ी टीमों से टक्कर ले सके। आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें राय जरूर दें, और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।